एक्सरसाइज 3.2, टोटल 10 क्वेश्चंस आर देयर। आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस विथ सिमिलर मेथड एंड रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस विथ अनदर सेम मेथड, व्हाट यू टू डू। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हियर वी आर गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो cos x equal to minus 1 by 2 and question is find the remaining all trigonometric functions, remaining all total hote kitne 6, out of 6 trigonometric ratios 5 trigonometric one trigonometric ratio is given, you have to find remaining 5 trigonometric ratios, wo aapka question, and condition is here our x lies in third quadrant, this is important one, x lies in third quadrant, डन। थर्ड क्वाड्रेंट कितने क्वाड्रेंट होते हैं, चार क्वाड्रेंट होते हैं ना, तो ये यूज करेंगे हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। क्या सिखाया था, ऑल एस टी सी, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ टेंथ क्लास, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ टेंथ क्लास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एस, एस मीन्स साइन एंड कोसेक, साइन एंड कोसेक, साइन और उसका रेसिप्रोकल, कॉस नहीं, साइन एंड कोसेक, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टी, टी मीन्स 10, 10 और उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट सी, सी मीन्स कॉस, कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ऑल रिमेनिंग नेगेटिव, है ना। यहाँ पर सारे छः जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, यहाँ पर सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी के चार नेगेटिव, यहाँ पर टेन एंड कॉट पॉजिटिव और बाकी के चार नेगेटिव, यहाँ पर कॉस एंड सेक पॉजिटिव और उस बाकी के रिमेनिंग है वो सब नेगेटिव। नाउ फॉर दिस सम और एक्स लाइज इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हमारा है, तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसमें हम टेन और कॉट को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, बाकी सब कैसे होंगे नेगेटिव। देखो कॉस भी नेगेटिव दिया है ना, सिर्फ टेन और कॉट ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब कैसे रहेंगे नेगेटिव। सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन से होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, sec x and cosec x, out of the 6 trigonometric ratio one is given, you have to find the remaining one, done। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, उसके बाद हमारी आइडेंटिटीज थी, शायद किसी को याद होगी 10th स्टैंडर्ड में थी, sin square x plus cos square x equal to 1, है ना, ये मैंने आपको एक दिखाया था। अभी इसको डिवाइड करो, sin square x plus cos square x equal to 1 को दोनों साइड sin square से डिवाइड करो ना। हमने टेंथ में स्टडी किया था कि तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, तीन नहीं होती है, एक ही है, और इसके ऊपर से दोनों डिराइव किए, sin square x plus cos square x equal to 1 को sin square x के डिवाइड करो, तो sin square x by sin square x 1, cos square x को sin square x के डिवाइड करो, सो इट्स अ cot square x एंड 1 upon sin square x which is equal to cos x square x, तो टीचर बोलते थे आपकी दूसरी आइडेंटिटी, तो ये दूसरी नहीं पहली है, sin square से डिवाइड किया, अभी cos square से डिवाइड करो, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इट विल बी टेन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1 एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स विच इज अवर सेक्स स्क्वायर एक्स, डन। तो एक आइडेंटिटी थी, उसमें आप अलग अलग घुमा घुमा के कुछ स्पीक करते थे, तो ये तीन आइडेंटिटी है, ये यूज करनी है, ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो देखो यहाँ पर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन, यू हैव टू फाइंड रिमेनिंग 1, तो हमें पता है कि हमारे पास कॉस हो और एक साइन आ जाए तो बाकी के सब हम फाइंड कर सकते हैं, तो कॉस दिया है और साइन फाइंड करना है, तो ये आइडेंटिटी लगाएंगे। सो नाउ आवर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सो वी आर फाइंडिंग आवर साइन स्क्वायर एक्स, सो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स गिवन माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वायर, सो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस और माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर होगा 1 बाई 4 और इसका सिंप्लीफिकेशन होगा 3 बाई 4, है ना, 4 1 जा 4 माइनस 1 3 बाई 4, सो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 बाई 4 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो साइन एक्स इक्वल टू वी आर गेटिंग प्लस और माइनस रूट 3 बाई 2, ये हमारा आंसर आएगा, साइन एक्स की दो वैल्यू मिलेगी, प्लस और माइनस रूट 3 बाई 2, बट क्या, और एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब कैसी होती है नेगेटिव, तो हमारा साइन कैसे होगा नेगेटिव, सो हियर एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यू हैव टू कंसीडर द नेगेटिव साइन, सो नाउ यू हैव टू राइट द आंसर, नाउ यू आर टेकिंग साइन एक्स इक्वल टू
प्लस और माइनस वैल्यू है ना, प्लस और माइनस रूट थ्री बाई टू, तो कंसिडर करेंगे माइनस रूट थ्री बाई टू, और यहाँ पर आपको लिखना है रीजन एज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर? तो आपका ये साइन एक्स हो गया। अभी आपके पास साइन एक्स है, कॉस एक्स है, बाकी सब मिलेगा। तो साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स दिया है, नाउ टेन एक्स। फॉर टेन एक्स इट्स द रेशियो ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स इज माइनस रूट थ्री बाई टू एंड कॉस एक्स इज माइनस वन बाई टू, टू टू कट माइनस माइनस प्लस, सो इट्स रूट थ्री। सो थर्ड रेशियो, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन एक्स इक्वल टू रूट थ्री ना। अभी हम इसको फंक्शन बोलेंगे, रेशियो नहीं बोलेंगे। टेन आ गया। अभी कॉट के लिए कॉट एक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन एक्स, वन अपॉन टेन एक्स, उल्टा से उल्टा कर दो तो टेन एक्स को रेसिप्रोकल, सो इट्स वन अपॉन रूट थ्री, कॉट एक्स हो गया। सेक एक्स के लिए इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का रेसिप्रोकल माइनस टू, और उसके बाद कॉसेक एक्स विच इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स इज माइनस रूट थ्री बाई टू, उसका रेसिप्रोकल माइनस टू अपॉन रूट थ्री। तो चेक करो यहाँ पर देखो, सेक नेगेटिव, कॉसेक नेगेटिव, कॉट एंड टेन पॉजिटिव, साइन नेगेटिव एंड कॉस नेगेटिव। क्लियर? बिकॉज और एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन एंड कॉट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सब नेगेटिव। तो यहाँ पर टेन हमारा पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। क्लियर? बोलो। क्वेश्चन नंबर टू, एक्सरसाइज 3.2, वी हैव डिस्कस क्वेश्चन नंबर वन। सो फॉर क्वेश्चन नंबर टू वी आर गिवन दैट साइन एक्स इक्वल टू थ्री बाई फाइव, साइन एक्स इक्वल टू थ्री बाई फाइव इज गिवन वेयर एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और एंगल एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, रिमेनिंग ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, टोटल सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर देयर, ओनली वन इज गिवन, साइन एक्स इज गिवन। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स बाय यूजिंग आवर आइडेंटिटी। सो नाउ आवर कॉस कॉस एक्स इज, सो आइडेंटिटी इज कॉस स्क्वेयर एक्स इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। सो वन माइनस साइन एक्स इज गिवन थ्री बाई फाइव होल स्क्वेयर, सो दिस इज इक्वल टू वन माइनस नाइन बाई ट्वेंटी फाइव, सो विच इज सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी फाइव। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वेयर एक्स, कॉस स्क्वेयर एक्स इज सिक्सटीन बाई ट्वेंटी फाइव, सो वैल्यू ऑफ कॉस एक्स इज प्लस और माइनस फोर बाई फाइव। बट आवर एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑल एस टी सी साइन एंड कोसेक इन सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। सो वी हैव टू कंसिडर दिस कॉस एक्स एज ए नेगेटिव माइनस फोर बाई फाइव। वेट, हाँ मनन बोल, एक मिनट। सो कॉस एक्स इज माइनस फोर बाई फाइव, कॉस इज नेगेटिव, सो साइन इज देर, कॉस इज देर, यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, सो वॉट इज अवर साइन एक्स थ्री बाई फाइव, कॉस एक्स इज माइनस फोर बाई फाइव, सो अवर टेन एक्स इज माइनस थ्री बाई फोर, है ना। टेन इज ऑल्सो नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव आ गया, कॉस भी नेगेटिव आ गया, टेन भी नेगेटिव है ना, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, टेन। सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स इज वन अपॉन टेन एक्स, रेसिप्रोकल ऑफ टेन एक्स इज माइनस फोर बाई थ्री, सो और कॉट इज ऑल्सो नेगेटिव,
कोसेक एक्स इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स एज द साइन इज पॉजिटिव और कोसेक इज ऑल्सो पॉजिटिव. सो कोसेक एक्स इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड रिमेनिंग वन इज सेक एक्स. सेक एक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक्स सो विच इज माइनस 5/4 विच इज ऑल्सो नेगेटिव. सो ओनली कोसेक एंड साइन आर पॉजिटिव एज एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड रिमेनिंग ऑल रेशियोज आर नेगेटिव. क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. साइन इज गिवन सो यू फाइंड कॉस 10 कॉट कोसेक एंड सेक. सिंपल. थर्ड क्वेश्चन हाँ बोलो. नहीं मेथड कोई भी यूज करो लेकिन शॉर्टकट नहीं करना है, कुछ मेथड करके दिखाना पड़ेगा है ना. JEE में जैसे डायरेक्ट आंसर टिक करते हो ऐसे नहीं लिखना है, इसको आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो है ना. ये साइन एक्स 3/5 है, ट्राइंगल ड्रॉ करके हाँ तो 1 मार्क्स में है तो कर सकते हो, 2 मार्क्स में है तो यही दिखाना है. सो थ्री क्वेश्चन नंबर 3 कॉट एक्स. सो नाउ वी आर गिवन कॉट एक्स इक्वल टू 3/4 योर एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट ऑल एस टी सी थर्ड क्वाड्रेंट 10 and its reciprocal cot. 10 and cot these two are positive. Remaining all trigonometric ratios are negative. So cot is given. So we can find the cosec square x. Cosec square x is 1 plus cot x. Cot square x. So this is equal to 1 plus cot square x 3/4 whole square. So this is equal to 1 plus 9/16, which is equal to 25/16. So our cosec x will be square root of this 25/16. So it will be plus or minus. So cosec x will be plus or minus 5/4. But here we are given that x lies in third quadrant. In third quadrant, cosec x is negative. So you have to consider the negative value of cosec, which is minus 5/4. You have to write the reason. X lies in third quadrant. X lies in third quadrant. So cosec x will be minus 5/4. Cosec x is there, so you can find sin x. Cot x is there, you can find tan x. So cosec x is minus 5/4. So our sin x will be reciprocal of cosec x, which is 1 upon cosec x equal to minus 4/5. देखो मैं लिख रहा हूँ ना सभी स्टेप्स, आपको ऐसे ही लिखना है, इसलिए मैं सब कुछ लिख रहा हूँ. सो माइनस 4/5. डन. cot x इज गिवन सो यू कैन फाइंड tan x. सो tan x इज नथिंग बट दी 1 अपॉन cot x, reciprocal of cot x 3/4, इट्स अ 4/3. So 10x is 4/3. Now we require cos. So again we have to use the identity. So identity is cos square x equal to 1 minus sin square x. This is equal to 1 minus sin square x minus 4/5 whole square. Minus 4/5 whole square. So this is equal to 1 minus 16/25, which is 9/25. So cos x will be plus or minus 3. Cos x is plus or minus 3/5. But you have to take which value? Cos is negative. So you have to take cos x equal to minus 3/5. Reason x lies in third quadrant. Then so cos x is there. We can find the value of sec x, which is 1 upon cos x, and that is equal to minus 5/3. Okay, 6.
बाकी रह गया हो तो फाइंड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, सिर्फ है तो टाइम पास है, तो वही हम कर रहे हैं। सेक एक्स इक्वल टू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आप कभी किसी को मिले ऑनलाइन शॉर्ट कॉपी तो वो ले लेना, और बुक स्टोर पर हार्ड कॉपी मिले तो वो ले लेना। एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके एक बुक होती है, वो मिले तो उसमें से सम्स ट्राई करना। सो और एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट ना, ये आप लिखते रहना तो एक बार, और एस टी सी। सो हियर कॉस एंड सेक बोथ आर पॉजिटिव, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो सेक एंड इज रेसिप्रोकल कॉस, दिस टू रेशियोज विल बी पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल विल बी नेगेटिव। सेक इज देयर, सो आइडेंटिटी इज 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। सो आवर 10 स्क्वायर एक्स इज sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, एंड दैट इज इक्वल टू 13 अपॉन 5 होल स्क्वायर माइनस 1, विच इज नथिंग बट द 169 अपॉन 25 माइनस 1, विच इज 144 बाय 25। So our 10x is square root of 144 is 12 plus or minus 12 upon 5. But x lies in first quadrant. Fourth quadrant 10 is negative. So we have to take 10x equal to minus 12 upon 5. Reason x lies in fourth quadrant. X lies in fourth quadrant. So 10x is there. So you can find cot x. Cot x is 1 upon 10x minus 5 upon 12. 10 cot sec hai to cos bhi milega. So cos x is reciprocal of sec x, which is 5 upon 13. And a fourth quadrant, cos and sec both are positive. So our cos is positive. Sine. So sine square x. Sin square x is nothing but the 1 minus cos square x. So this is equal to 1 minus cos pi upon 13 whole square. So this is equal to 1 minus 25 by 169. 169 by 25 minus 144. So sin square x is 144 by 169. Therefore our sin x is plus or minus 12 by 13. As x lies in fourth quadrant, our sine will be negative. So sine x is minus 12 upon 13. And reciprocal of sine x, cos x minus 13 upon 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Complete. Chalo. कौन सा नंबर आया? क्वेश्चन नंबर कौन सा किया? फोर्थ किया। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ सम, टेन इज गिवन, so our 10x is minus 5 upon 12, where x lies in second quadrant. X lies in second quadrant. Second quadrant. Kya hota hai second quadrant mein? साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव है ना, इतनी बार बोला तो भी आप भूल जाते हो। सो 10 इज गिवन, सो और आइडेंटिटी 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स, देयरफॉर सेक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। सो दिस इज इक्वल टू 1
प्लस 10 माइनस 5 अपॉन 12 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 25 बाय 144 169 13 12 सो sec x विल बी प्लस और माइनस 13 बाय 12 बट sec x इज नेगेटिव माइनस 13 बाय 12 रीजन x lies in second quadrant. As x lies in second quadrant, or sec x will be negative. So as sec x is negative, cos x will be also negative. Cos is there, so we can find the sign. ना कुछ सिंप्लीफिकेशन दिखाना पड़ेगा आपको क्योंकि हम सब गुजरात बोर्ड में हैं. गुजरात 169 माइनस 144 25 अपॉन 169 देयरफॉर साइन एक्स इज प्लस और माइनस 5 बाय 13 सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव सो हियर यू टू कंसीडर प्लस साइन सो आवर साइन एक्स इज 5 अपॉन 13 है ना. एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है सो कॉसेक एक्स विल बी ऑल्सो पॉजिटिव सो कॉसेक एक्स विल 13 अपॉन 5 वन टू थ्री फोर फोर ही हुए कॉट बाकी रह गया कॉटेक्स कॉटेक्स इज माइनस 12 अपॉन 5 है ना. देखो ऐसे होता है इजी इजी करके छोड़ के आ जाते हैं कॉट बाकी रह गया दो मार्क का सम था डेढ़ मार्क आएंगे. So this is your question number 125, simple sums. Now for question number 2. So for question number 2, find the value of trigonometric functions. Ana, trigonometric functions ki value find karni hai. For question number 6 to 10. So here trigonometric functions are extreme large angles. Ana, angles are given. Hame pata hai 90, 40, 45, 60, 30, 0. Wo sab find kar de. लेकिन यहाँ पर जो एंगल्स दिए ना वो सब एक्सट्रीम लार्ज एंगल दिए. यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज एंगल्स. तो आप बोलेंगे सर वो तो टेबल आपने बताया नहीं कहाँ से फाइंड करेंगे है ना. तो उसके लिए हमने जो प्रॉपर्टी स्टडी की है ना वो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे हम. तो क्या प्रॉपर्टी स्टडी की थी तो हमने एक ऐसा बताया था आपको याद हो तो साइन 2n पाई. 2 पाई मतलब 1 रिवोल्यूशन एंड 2n पाई मीन्स मल्टीपल रिवोल्यूशन है ना. एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करो यूनिट सर्कल पर शायद किसी को याद आ जाए ऐसे तो होता है 2 पाई और एक लगाओ सर्कल 4 पाई है ना 6 पाई 8 पाई दिस आर द मल्टीपल्स ऑफ पाई तो 2n पाई. तो वहां पर हमने ऐसे बोला था आपको कि 2n पाई प्लस एक्स हो तो यहाँ पर एक से सर्कल घुमा के यहाँ पर एक्स आ जाए तो वो क्या होता है एक्स ही होता है. आपको 2n पाई को आप जीरो है ना मल्टीपल्स ऑफ दिस 2 पाई को आप जीरो कंसीडर करके साइन 2n पाई एक्स को आप लिख सकते हो साइन एक्स. याद आया किसी को. और कॉस 2n पाई हो उसको भी आप 2n पाई प्लस एक्स को आप कॉस एक्स करके लिख सकते हो तो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी है ना. 2n पाई कैन बी कंसिडर एज ए जीरो. हियर 2n पाई वो जीरो नहीं है लेकिन इट कैन बी कंसिडर एज ए जीरो. बस यही प्रॉपर्टी हमें एक्सट्रीमली लार्ज एंगल की वैल्यू निकालनी है तो यूज करेंगे. ठीक है तो चलो देखते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1. सो हियर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765 साइन 765 डिग्री इज देयर. सो डिग्री ये तो रेडियन में तो कोई बात नहीं. यहाँ पर हमें क्या लिखना है 360 इंटू एन है ना. एक रिवोल्यूशन है तो 360 डिग्री एन रिवोल्यूशन है तो मल्टीपल में आएंगे 360 के. बोल दीपक सर ये नोट करो कौन है साइन 765. So this can be written as sine 2 into 360 degree.
दो चक्कर लगा दिए तो 720 हुए। 720 प्लस 65 के लिए कितने ऐड करने पड़ेंगे, 45, इट्स अ 236 प्लस 45 डिग्री। दिस इज द मल्टीपल ऑफ रिवोल्यूशंस, टू रिवोल्यूशंस आर देयर, टू रिवोल्यूशन प्लस 45 डिग्री, सो दिस इज साइन 45, साइन 45 डिग्री, पाई बाय 4 रेडियन। सो वैल्यू ऑफ साइन 45 वो मैं टेबल में पता है, दैट इज इक्वल टू 1/√2, क्लियर। प्लस साइन है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको रिवोल्यूशन काउंट करने हैं, सपोज नेगेटिव साइन है तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको रिवोल्यूशन काउंट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गिवन क्वेश्चन नंबर 7, ये 6 था, फर्स्ट नहीं था, 7, क्वेश्चन नंबर 7, तो कोसेक कोसेक माइनस 1410 डिग्री इज गिवन, डन। सो हियर इट कैन बी रिटर्न एज ए मल्टीपल ऑफ 360, सो 360 इंटू 4 करो कितना होगा, 360 इंटू 4 है ना, ये क्यों ऐसा लिखा 4, मैंने 4 3 जा 1200 के आसपास आएगा ना, इसलिए उसके ऊपर कुछ होगा या फिर सब ट्रैक करना पड़ेगा। सो 0 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 एंड 4 1440, देखो 1440 माइनस है ना, माइनस डायरेक्शन में, सो माइनस 1440 दैट मीन्स 360 इंटू 4 प्लस कितना करना पड़ेगा, 30 डिग्री। सो दिस इज अवर कोसेक, कोसेक माइनस में है, इट्स अ माइनस, माइनस मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 360 डिग्री करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस 30 डिग्री ऐड करेंगे, सो दिस इज नथिंग बट इसको आपको जीरो कंसीडर करना है, दिस वन इज कोसेक 30 डिग्री। पुट द वैल्यू ऑफ कोसेक 30 डिग्री फ्रॉम योर टेबल, कोसेक 30 याद नहीं है तो साइन 30, साइन 30, साइन कोसेक 30 इज 2, डन। सो कोसेक 30 इज 2, सो दिस इज द आंसर। नाउ डिग्री, अभी सपोज रेडियन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 8, रिकॉर्डिंग तो नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये एक सम आपके रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा तो इसको अच्छी तरह से देख लेना और नोट डाउन कर देना। क्वेश्चन नंबर 9, साइन नेगेटिव माइनस 11 पाई बाय 3, नेगेटिव है तो क्या करेंगे, सो नेगेटिव सोचेंगे है ना, नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव डायरेक्शन के बारे में सोचना है, सो इट्स अ साइन, माइनस साइन है तो क्या करेंगे, माइनस 4 पाई, 2 पाई के मल्टीपल कोई देखना है तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई देखो, तो मैंने 4 पाई देख लिया क्योंकि मुझे पता था पहले से, सो माइनस 4 पाई प्लस पाई बाई 3, आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो एक दो दिन तक, उसके बाद आपको भी ऐसे आएगा। सो 4 3 जा माइनस 12, माइनस 12 प्लस 11, सो माइनस 11 बाई 3, तो 2 पाई का मल्टीपल हो गया है 2 × 2 पाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिसको जीरो कर दो, सो दिस इज साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू अगेन आपको क्या करना है, टेबल में नहीं देखना है, वो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। हाँ याद ही करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आप हर एक बार टेबल में देखने जाएंगे और वैल्यू पुट करेंगे तो आगे तो आप देखना कितनी सारी वैल्यूज आएगी, और हर एक टाइम आप जो टेबल में दिखेंगे तो आपका जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है ना उसमें से आप 30 मार्क्स के अटेम्प्ट कर पाएंगे, बाकी सब टाइम आपको टेबल देखने में ही चला जाएगा, आया समझ में, तो आपको ये सब वैल्यूज याद ही रखनी है। हाँ टेबल लिखवाने के, टेबल की वैल्यूज तो डिराइव की है ना, और वो जो इंट्रोडक्शन में मैंने 0 to 90 तक लिखवा दिया था और उसके बाद की वैल्यू डिराइव करके दिखी थी, और वैल्यू लिख देना है ना, टेबल लिखवाने, हाँ डिराइव करवाई थी, टेबल सिर्फ ड्रॉ करवाना बाकी था, और ऐसा हो तो आज मैं फोटोग्राफी सेंड कर दूंगा, और आपकी टेक्स्ट बुक में भी वो टेबल है। क्वाट माइनस 15 पाई बाय 4, बोलो अभी इसमें से क्या करेंगे, किसी को कुछ आइडिया,
माइनस 4 पाई प्लस पाई बाई 4, 4 4 जा माइनस 16 प्लस पाई बाई 4, इसको जीरो करना है, तो दिस विल बी कॉट पाई बाई 4, और कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू है ना 45, 1 1, सो दिस इज